जय श्री कृष्णा। इस जन्माष्टमी के लिए जैसा हमने कहा, कुछ आइडियाज़ हम आपके पास लेके आए हैं। कच्चे चावल सबसे आसान होते हैं, इनको हल्का सा गीला करके तीन भाग में कर लें। इसमें आप या तो खाने वाले कलर्स या फिर आपके पोस्टर या एक्रेलिक कलर डाल के इनको प्लेट में खूब फैला के सुखा दें। इन सूखे हुए रंगीन चावल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन बनाने में। यदि आपको इस साल जन्माष्टमी पे वृंदावन बनाना है तो आपके घर में जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हों, खिलौने हों, बर्तन हों, कृष्ण भगवान हों और कोई गुड्डे गुड्डी हो, तो आप सारे वो निकाल लें। हमारे पास डेकोरेटेड आरती की थाली और हरी घास भी थी, तो हमने हरी घास पे पूरा वृंदावन सजाया था और उस पे आरती की थाली, उनके सारे मोर मुकुट, सूखे फूल, घास पत्ते, हमने सब कुछ सजा दिया था। जितनी आप छोटी चीज़ें यूज़ करें, इवन अगर आप लड्डू गोपाल के कुछ एक मुकुट इधर उधर लगा दें तो बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वृंदावन गांव ही ऐसा है कि इसमें इतनी हरियाली, इतनी रंगीन कलर्स हैं कि सब कुछ मन भा जाता है। और आप जितना ज़्यादा इसमें फूल इस्तेमाल करें, चाहे नकली हो असली हो उससे परवाह नहीं, उतना प्यारा लगता है। हम अक्सर घर पे बंदर वाले तोरण बांधते हैं जिसको डोर हैंगिंग भी बोलते हैं। इस बार आप ट्राई करेगा कोई प्लेन पोशाक पे लड्डू गोपाल के चारों ओर बंदर बाल बांध के देखिएगा, बहुत ही प्यारा रूप आता है। ये बंदर बाल आप लड्डू गोपाल के झूले पे भी लगा सकते हैं। झूले पे तो आखिर जन्माष्टमी पे आप रियल फ्लावर्स भी ले सकते हैं, बट यदि आपको रियल का मन ना हो तो इन्हीं बंदर बाल को आप अलग अलग वे से लड्डू गोपाल के झूले पे या उनके कपड़े पे, पोशाक पे लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। दिए और फूलों की सुगंध के बिना त्यौहार अधूरा लगता है, तो आप दिए ज़रूर जलाएं। फूलों को आप लड़ी ले लें, इन लड़ी को आप इस तरह से ड्रॉपिंग में या फिर फ्लोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत प्यारा लगता है। सब मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं बहुत भारी पोशाक यूज़ करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। यदि आप प्लेन पोशाक भी लें, उसके ऊपर ये छोटी छोटी राधा कृष्ण की बाल्टियाँ या जो आपके पास हो आप छोटी छोटी चीज़ें रख दें, तो पोशाक भारी लगने लगती है। यदि पोशाक भारी हो या ना हो, आपकी जो सादगी है रूप की वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप लड्डू गोपाल को जो रूप में देखें या जो रूप आप देना चाहें वो उसी रूप में प्रकट होते हैं। कान की यदि बालियाँ हो तो आप थोड़े बड़े यूज़ कर सकते हैं। आँखों के ऊपर बिंदी लगाना ना भूलें, होठों के नीचे बिंदी, होठों को आप लाल रंग ज़रूर दें, उससे उनका चेहरा और निखर के आता है। लड्डू गोपाल जी की स्नान की विधि अब हम आपको बताते हैं। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, कोई भी विधि सही या गलत नहीं होती, अपना अपना तरीका होता है। हम उन्हें शहद और चीनी से पहले नहलाते हैं। इसमें हम उनके पूरे देह को खूब अच्छे से रगड़ते हैं तो जो भी कालापन होता है वो निकल जाता है। उसके बाद हम घी लेते हैं और उस घी से इनको खूब चिकनाहट मिलती है और इनकी मालिश करते हैं खूब अच्छे से। घी के बाद हम थोड़ी सी केसर लेते हैं, उससे सुगंधी और रौनक बढ़ जाती है शरीर की। इस केसर को हम खूब देर इनके शरीर पर रगड़ते हैं और फिर अंत में हम इनको दूध या फिर जूस से नहला देते हैं। उसके बाद अच्छे से मलमल से कपड़े से पोंछ के इनको पोशाक पहना दीजिए। ये हुई हमारी जन्माष्टमी की कुछ टिप्स। जल्दी ही मिलते हैं आपसे। जय श्री कृष्ण।